وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الظأن اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين. اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذكرين آه حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ بصاكم الله بهذا

कि वो बहुत से अपनी जर पैदावार को अल्लाह के बजाय बुतों के नाम पर रख देते हैं और उसको कहते हैं कि कोई नहीं खाएगा जब तक के हम न कहें कि कौन खाए इसी तरह बाज जानवरों को भी वो इसी तरीके से बुतों के नाम पर या तो छोड़ देते थे या उसके अंदर तरह तरह की पाबंदी आयद कर देते थे अब अल्लाह तबारक वाले यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में यानी जरी पैदावार जिसके ऊपर वो तरह तरह की पाबंदियां लगाते थे और वो चौपाए जिनके ऊपर वो पाबंदियां लगाते थे उन सब के बारे में बारी ताला फरमा रहे हैं कि ये तो खुदा के बंदो तुम खुद मानते हो कि ये मैंने पैदा की अल्लाह ताला ने पैदा किया जो नबातात हैं जरी पैदावार हैं वो सारी अल्लाह की पैदा की हुई इसी तरह जानवरों के बारे में भी तुम भी मानते हो कि ये अल्लाह के पैदा किए हुए हैं और लता ने उसमें क्या क्या नेमतें तुम्हारे लिए उसके बावजूद जब इनमें से हिस्सा निकालते हो तो अल्लाह का हिस्सा अलग और बुतों का हिस्सा अलग और बुतों का हिस्सा अल्लाह के पास कभी नहीं जाता और अल्लाह का हिस्सा बुतों के पास चला जाता है तो ये दर हकीकत कितनी बड़ी नाशुक्री है कि ये मानने के बावजूद कि ये सब चीजें अल्लाह की पैदा की हुई है तुम दूसरों की तरफ उसको मोहब्बत कर देते इस पस मंजर में इन आयात का तर्जमा पहले पेश करता हूँ उसके बाद इन उसकी थोड़ी सी तस्वीर। अल्लाह वो है जिसने बागात पैदा किए जिनमें से कुछ बेल वाले हैं जो सहारों से ऊपर चढ़ाए जाते हैं और कुछ सहारों के बगैर बुलंद होते हैं और नखलिस्तान और खेतिया जिनके जाके अलग अलग है और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी जब ये दर फल दें, तो उनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो और जब उनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह का हक अदा करो और फजूल खर्ची ना करो याद रखो वो फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता और चौपायों में से अल्लाह ने वो जानवर भी पैदा किए हैं जो बोझ उठाते हैं और वो भी जो जमीन से लगे हुए होते हैं, अल्लाह ने जो रुझु तुम्हे दिया है उसमें से खाओ और शैतान के नक्श कदम पर न चलो यकीन जानो वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है मवेशियों के कुल आठ जोड़े अल्लाह ने पैदा किए हैं दो सिंफे नर और मादा भेड़ों की नस्ल से और दो बकरों की नस्ल से जरा इनसे पूछो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया या दोनों मादाओं को या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो अगर तुम सच्चे हो तो किसी इल्मी बुनियाद पर मुझे जवाब दो और इसी तरह ऊंटों की भी दो सिंफे नर और मादा अल्लाह ने पैदा की है और गाय की भी दो सिंफे इनसे कहो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने आराम किया है या दोनों मादाओं को या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो क्या तुम उस वक्त खुद हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें दिया था? तो फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर इसलिए झूठ बांधे ताकि किसी इल्म के बगैर लोगों को गुमराह कर सके हकीकत यह है कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता इसमें पहले तो अल्लाह तबारक वाला ने ये जमात के और जरि पैदावार के बारे में ये अपने इस इनाम का जिक्र फरमाया कि हमने बाग पैदा किए हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो टट्टियों पर चढ़ाए जाते हैं जैसे अंगूर की बेल होती है बेलदार होते हैं और उनको लकड़ियां खड़े करके लकड़ियों के सहारे पर खड़ा वो बेल चलती है और कुछ गैर मारूषात हैं यानी उनको से उनको किसी बेल पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती वो खुद सहारे की जरूरत नहीं होती बगैर सहारे के अल्लाह ताला उनको पैदा करते हैं और उनसे फल भी बरामद फरमाते हैं अब इसे मारूसात यानी जो बेलदार होते हैं उनसे तो मुराद जाहिर है कि जैसे अंगूर की बेल होती है वो टट्टियों पर चढ़ाई जाती है और लकड़ियाँ खड़ी करके उसके ऊपर चढ़ती है बगैर सहारे के वो काम नहीं करते और गैर मारूशात में दो चीजें दाखिल हैं, एक तो वो हैं तो बेलदार लेकिन उनको लकड़ियों के सहारे की जरूरत नहीं होती जैसे खरबूजे की बेल होती है या तरबूज की होती है तो वो जमीन पर पड़े रहते हैं उनको लकड़ियाँ के सहारे की जरूरत नहीं होती और एक वो दरख्त के जो सीधे खड़े होते हैं जैसे जितने भी फलों के आमतौर से दरख्त होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं अल्लाह तुबारा ने ये सारे फल चीजें तुम्हारे लिए पैदा की व नखल और खजूर पैदा की और खेतियां पैदा की मुख्तलि उकुलु जिनके जायके मुख्तलिफ होते हैं ये इशारा इस अल्लाह ताला की कुदरत और हमत की तरफ है कि वही जमीन है वही पानी है और छोटा सा एक बीज उसके अंदर डाला गया है और अगर उस बीज को देखो तो जितनी अशिया होती है उन सब जितने भी फल फलदार होते हैं उनके बीज देखने में यकसा जैसे नजर आते हैं लेकिन जब वो बीज छोटा सा बीज जमीन के अंदर जाता है जमीन की गहराई में पहुंचता है तो पानी भी उसको वही मिल रहा है खाद भी उसको वही मिल रही है गिजा भी उसको वही मिल रही है लेकिन जब पैदा होता है तो जायके मुख्तलिफ है। जायके हैं, एक का है, दूसरे का यहाँ तक के एक, ही के, एक ही फल के अंदर मुख्तलिफ हैं, और इतने मुख्तलिफ हैं कि वो भी आम है और ये भी आम है लेकिन जायकों में जमीन और आसमान का फल तो अल्लाह तबारक मुतारा अपनी कुदरत की बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि देखो छोटे से बीज से या गुटली से हमने एक चीज पैदा की वही पानी है वही खाद है वही जमीन है लेकिन जायके इनके मुख्तलिफ निकल रहे वह जैतून और रुमान और जैतून इसी से हमने पैदा किया और अनार पैदा किया जो देखने में एक जैसे भी लगते हैं और कभी कभी जुदा भी लगते हैं यानी अगर जैतूनी को देखो तो उसकी भी मुख्तलिफे हैं बाद ऐसे होंगे जो काले रंग के होंगे सब एक जैसे नजर आएंगे बाद ऐसे होंगे जो सब्ज रंग के हैं वो सब्ज रंग के नजर आएंगे तो देखने में मतशाबे भी हैं और गैरमोतशाबे भी हैं इसी तरह अनार है, अनार की कितनी कस्में दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, कोई अनार जो है वो खट्टा है कोई मीठा है कोई देखने में एक जैसा लगता है कि किसी का रंग सब्ज है किसी का रंग सुरख है ये सब अल्लाह तला ने मोतनव्य चीजें पैदा फरमाई कुलू मिन समर ही इजा अतमर और अब हम कहते हैं कि जितनी भी ये चीजें हमने पैदा की हैं उसके फल से खूब खाओ इजा अतमरा जब वो फल ले आए और वह आतु हक हो योम हसादी और जब उसकी कटाई का वक्त आए तो उसका जो हक है वो दो यानी वगैरह, जक़ात तो वगैरह, जो उसके ऊपर आयत होती है वो अदा पर यह बात काबिल गौर है कि तकरीबन यही तबारक ने पीछे आयत नंबर नवे में बयान फरमाए थे उसमें अल्फाज ये थे वो बिना नखली मिन तल अनवान दानिया व जन्नातम आनाब व जैतून अमरमान मुश्तब हम वैर मुत वही तकरीबन बातें वहां पर फरमाई थी फर्क इतना है कि वहां जिक्र किया था खजूर का पहले नखली मिन नखल मिनतल एनवान दानिया के ये कहा था कि जो खजूर के गाभों से फलों के वो गुच्छे निकलते हैं जो फल के बोझ से झुके जाते और हमने अंगूरों के बाग हो गए और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से भी, तो वही बात तकरीबन यहां पर है लेकिन तरतीब बदली हुई है वहां पहले खजूर का जिक्र था और दूसरे नंबर पर अंगूर का जिक्र था और फिर जैतून और का यानी जैतून और अनार का साथ है वहाँ मुशतबहन वगैरह मुतशे कहा था यहाँ मुत वगैरह मतशाबे का अब ये तो अल्लाह तबारक वाली के उसब का हकीकी इल्म किसी इंसान के बस में नहीं है कि कहाँ क्या लफ्ज किस माना में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन जो जाहरी तौर पर मालूम हो रही है बात वो ये है इन सब चीजों का जिक्र करने के बाद वहां फरमाया था उन ही के जब ये दरस फल देते हैं तो उनके फलों और उनके पकने की कैफियत को गौर से देखो ये फरमाया और यहाँ इन सब चीजों का जिक्र करने के बाद ये फरमाया कि इन सबकी पैदावार खाओ वहां इसलिए के वहाँ पर गुफ्तु जो चल रही थी वो दरक़ीक इस बात की चल रही थी कि ये लोग अल्लाह ताला की तोहिद के उन दलाइल पर गौर नहीं करते जो कायन में बिखरे हुए हैं तो वहाँ पर मखसूद था तो की दावत देना लिहाजा तो वहाँ पर तो इन सब चीज़ों का जिक्र करके सिर्फ इतना फरमाया कि जब ये दरख्त फल देते हैं तो उनके फलों और उनके पकड़े की कैफियत को गौर से देखो तो पता चलेगा कि किसने ये फल पकवाए हैं और किसने इसको तैयार किया है लेकिन यहां जो मकसूद है वो मकसूद यह है कि इन सारे फलों का और इन सारी जनी पैदावार का मकसद क्या है क्यों ये पैदा किए गए ये तुम्हारे फायदे के लिए किए तो फरमाया कि अब तुम इन चीजों को कुलूमिन मिन मरी उनसे जो फल निकले तो वो तुम खाओ

खाने से इनकार करना या उसको हराम कर देना बुतों के नाम पर एक कितनी बड़ी ना शुक्रिया फिर फरमाए आतू हक का शादी और ये जो फल आते हैं या ये जो जमीन की पैदावार होती है वो खाओ जरूर लेकिन जब कटाई का वक्त आए तो उस वक्त में उसका जो हक है वो गरीबों और मस्किनों को अदा करो वह क्या है रोशन अल्लाह ताला ने जमीन के पैदावार पर उशर रखा है कि अगर वो खुद सैराब होती है तो उसका दसवां हिस्सा और अगर सैराब करने में मशक्क़त होती है या खुद आदमी तकलीफ उठाता है तो फिर या पैसे खर्च करता है तो उसका बीसवा हिस्सा वो देना हो तो यहां पर यह पहले फरमा दिया कि खाओ और जो उसका हक है वो अदा करो इससे यह मसला भी निकलता है कि मसलन जब किसी के बाग में या खेती में फल आना शुरू हो जाता है तो अभी पूरी कटाई नहीं होती लेकिन इक्का दुक्का फल पक जाते हैं या इक्का दुख का तैयार हो जाते हैं तो उनको कटाई से पहले और उसे निकालने से पहले खाना जायज है यानी असल बात तो यह ना कि सारी जितनी पैदावार हो उसको पहले आदमी देखे उसका दसवां हिस्सा या बीसवा हिस्सा निकाले लेकिन अगर अभी तक वो मरहला नहीं आया इक्का दुक्का फल पक रहे हैं तो उनको खाने में खा, कोई हरज नहीं है खाना जायज है इसीलिए अल्लाह ताला ने खाने का जिक्र पहले फरमाया और वातु को कर दिया यौमा हसादी से कि उसका हक अदा करो उस दिन जिस दिन इसकी कटाई का वक्त आएगा फिर आगे फरमाया वालाफू अलबत्ता फजूल खर्ची ना कर इसराफ ना कर युहिब्बुल नब्बुल क्योंकि अल्लाह तबारक वाला इसराफ करने वालों को फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता अब यहाँ इसराफ के कई पहलू हैं जिससे किया गया एक तो ये कि आदमी ज़रूरत से ज्यादा खाए जितनी जरूरत नहीं थी महज अपने जबान के चटखारे की खातिर उससे ज्यादा खा ले तो ये इसराफ है फजूल खर्ची है यह जायज नहीं है इतना ज्यादा खा लेना कि जिससे आदमी बदहजमी का शिकार हो जाए या इतना खा लेना कि जो इंसान की जरूरत से जायद हो यह इसराफ है और उसको मना किया गया कि खाओ लेकिन इसराफ ना करो जरूरत से ज्यादा ना खाओ दूसरा इसराफ ना करने के माना यह है कि खाने के बाद जो चीजें बचती हैं उनको इस तरह खाओ कि वो ना हो यह भी इस इसराफ इस में दाखिल है कि आदमी ने खाकर बाकी चीजें इस तरह कर दी कि वो किसी के काम ना आ सके तो भी इस है और इसको भी फरमाया कि अल्लाह ताला तलाफ करने वालों को पसंद नहीं करता और एक एकफ के माना यह भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम कटाई के वक्त में उसका हक अदा करो तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि उशर दो यानी दसवां हिस्सा दो या बीसवां हिस्सा दो, दो और तुम सारा ही उठा के दे दो फकीरों को और उसके नतीजे में खुद तुम फकर का शिकार हो जाओ तुम्हारे भी बच्चे वो फकरो फाके का शिकार हो जाए तो ये भी इसराफ है इसराफ की एक शक्ल है तो इसलिए जब तक के जो खर्च करना है वो भी अतदाल के साथ करना है किसी को इन्फाक करना है तो वो भी अतदाल के साथ करना है जिससे अपना अपने नफ्स कर अपने बच्चों का हक फौत ना हो ये भी इसराफ में दाखिल है कि अलबत्फ की एक और शक्ल ये भी होती है कि आदमी जो कुछ मिला है जो कुछ माल है इंसान के पास वो मासीत में खर्च कर इसको तब्जीर भी कहा जाता है और इसको भी इसराफ से ताबीर किया गया है लेकिन आ, साथ में यह है कि अगर इंसान अल्लाह ताला तात में खर्च करे तो तात में ये बात भी दाखिल है कि उसके जिम्मे जिनके हकूक हैं बीवी बच्चे अहलोल उनके ऊपर खर्च करे तो यह इसराफ में दाखिल नहीं तो तो हजरत इमाम मुजाहिद रहमत लाइफ कौल मनकूल है कि अगर अब कोबैस पहाड़ पूरा का पूरा सोने का हो जाए और किसी एक आदमी की मिल्कियत में आ जाए पूरा पहाड़ सोने का और वो अल्लाह ताला की तात में उसको खर्च करता रहे तो उसको कभी भी फजूल खर्च नहीं कहा जाएगा लेकिन अगर एक दरहम अल्लाह की माफियत में खर्च कर दे चाहे एक ही दरहम हो लेकिन गुनाह के काम में तरफ कर दिया तो मुश्किल कह जाएगा वो फजूल खर्च कह और एक बड़ी हकीमाना बात कही थी हातिम में तई जो मशहूर है सखावत के अंदर उनसे मनकूल है कि किसी ने कहा भाई तुम इतना खर्च करते हो लोगों को इतनी मदद करते हो इतना लोगों के मेहमानी करते हो तो ये तुम इसराफ की हद तक ये काम करना है तो कहा किसी ने उससे कि लाखर फिशरीफ यानी ये जो तुम फजूल खर्ची करती हो इसमें कोई खैर नहीं है इसमें कोई भलाई की बात नहीं तो उसने फौरन जवाब में कहा कि ला शरीफा खैर उल्टा करके जवाब दे दिया कि ला शरीफा खैर यानी भलाई के कामों में कोई इसराफ नहीं होता तो भलाई के काम में ये बात भी दाखिल है कि जो हकूक इंसान के जिम्मे हैं वो अदा करें और फिर लोगों की खिदमत करें तो ये सारी बातें इसराफ के मफ़ूम में दाखिल है तो फरमाया कि खाओ जरूर और अल्लाह का हक भी अदा करो और साथ में इसराफ से भी बचो ये तो किस्सा था जरी पैदावार का जिसके ऊपर वो पाबंदियां लगा देते थे कि हमारे बुतों के नाम पर अब आगे मवेशियों कोम हमूल व फर्शा और इसी तरह अल्लाह ताला ने चौपायों में से वो जानवर भी पैदा किए हैं जो बोझ उठाते हैं हमूलतन बोझ उठाने वाले और व वा फर्शा और वो जो जमीन से लगे हुए होते हैं यानी वो बोझ उठाने की सलाह पहली किस्म में गाय बैल और ऊंट वगैरह और दूसरी किस्म जो जमीन से लगी हुई से मुरादे जैसे बकरियां तो वो भी हमने पैदा किए और इसलिए पैदा किए किया कुलू में कि अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है इन मवेशियों के शक्ल में वो खाओ तुमने अपनी तरफ से जो पाबंदियां लगा रखी हैं कि फला जानवर खाएंगे फला नहीं खाएंगे यानी फला मवेशी जैसे बुद्ध के नाम पर छोड़ा हुआ है वो नहीं खाएंगे ये सब अल्लाह ताला की नेमत की ना है जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ खुत शैतान और शैतान के नक्श कदम पर न चलो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है अब आगे फरमाते हैं लोगों ने बहुत सारी चीजों को हराम कर रखा था अपने ऊपर कभी कहते थे कि इसका नर हराम है कभी कहते इसकी मादा हराम है कभी कहते थे कि मादा और नर के दरमियान जो पैदा हुआ है वो हराम है तरह तरह की रस्में उन्होंने बना रखी थी तो उनकी तरदीद करते हुए बारिश ने फरमाया कि देखो जरा गौर करो कि हमने जो तुम्हें पैदा किए हैं जानवर समानियत अजवाज, वो आठ किस्म के जोड़े हैं क्या है कि एक भेड़ की जो सिंफ है उसमें से दो पैदा किए हैं यानी एक मुजक्कर एक मॉडस और जो बकरों की सिंफ है उसमें से भी दो पैदा किए हैं एक मुजक्कर एक मॉडस तो अब जरा बताओ कि अल्लाह ने को जो तुम कहते हो कि हराम कर लिया बुतों के नाम पर तो क्या तो मुजक्करों को यानी मुजक्कर दुम्बा और मुजक्कर बकरा यह हराम है अमिल उन सैद या भेड़ और दुम्बी और बकरी यह हराम है अब मशत या सयद या ये कहो कि भाई जो दोनों की जो मादा थी उनके हाँ जो भी बच्चा पैदा हो वो हराम है हालांकि ये भी तुम कहते न सारे मुजक्करों को आराम कहते हो न सारे बॉनसों को आराम कहते हो ना ये कहते हो कि जो भी आए मुजक्कर बॉनस वो आराम होगा तो जरा मुझे बताओ तो सही कि किस बुनियाद पर तुमने इन चीजों को हराम कर रखा है न बिउ नहीं बेलबिन को धुम सा इसी तरह विमिन नहीं बकरों से भी दो हैं यानी एक मुजक्कर एक मानस और गाय के भी दो किस्म सिर्फ मुजक्कर एक मानस तो बताओ कि मुजक्कर हराम किया अल्लाह ने या मानस हराम किया या ये कि मानसों के, के रहम में जो कुछ भी हो चाहे मुजक्कर हो चाहे मानस को हराम किया इनमें से कोई बात भी ऐसी नहीं है जिसकी तुम अकल के साथ साबित कर सको कि ये फला चीज हराम है और जो तुम कह रहे हो कि भाई अल्लाह ने आराम किया कर तो कोई भी इनमें से बात ऐसी नहीं है जिसको तो तुम माकूलियत के साथ इसका इकरार कर सकते जब ये बात है फबन अजलम्ला तो उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे ताकि लोगों को किसी इल्म के बग़ैर गुमराह रह कर इन यहदील दिल कौम बेशक अल्लाह ताला ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं किया करता जिन्होंने खुद ज़ुल्म का रास्ता इख्तियार कर लिया तो उसका अल्लाह तबारक ताला उसको हिदायत नहीं देता उसको मंजिल तक नहीं पहुँचाता